अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो जी, आप लोगों को तो पता ही है रमज़ान बस 5-6 दिन ही बाकी है, तो मैंने सोचा पहले पहले सब कुछ मार्केटिंग कर लेते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अलसफ़ी सुपर मार्केट, तो व्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं और आप लोग प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आगे जाके आप लोगों से मिलते हैं, चलिए। तो जी, अभी हम बाहर निकल पड़े हैं और बाहर निकल के देख रहे हैं कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, बारिश हो रही है और आसमान में बादल तो छाए हुए थे। और कई दिन से ना दुबई में बारिश हो रही है, हर जगह पर ही हो रही है, आबू धाबी, रसल खैमा, फिर आपके जो और भी सिटीज़ हैं ना, सब जगह पर हो रही है। तो हम ना बाहर निकल के यही सोच रहे थे कि जाना ठीक होगा, मुनासिब होगा या नहीं, लेकिन फिर भी मतलब ये भी सोचा कि टाइम भी नहीं है तो जल्दी जल्दी निकल ही पड़ते हैं, अगर बारिश ना हुई तो फिर मतलब बेकार जाएगा ना टाइम। तो इस ऐसे हम निकल पड़े और बारिश तो यार हो रही थी, आप ये कार चेक कर ज़रा, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। फिर हमने सोचा यहाँ पर तो स्टे करने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सामने जो ब्रिज आप लोगों को नज़र आ रही है ना, उसी के नीचे हम कुछ देर ठहर जाएंगे। और ये बारिश का मौसम अच्छा भी लगता है यार, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं भी चल रही थी, इंजॉय भी हो रहा था। और ऐसे मोमेंट हर वक्त थोड़ी ना मिलते हैं और इसे भी इंजॉय कर लेनी चाहिए। ये देखिए ब्रिज, और इसके नीचे अभी हम स्टे करेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर देखते हैं अगर बारिश कम हो जाती है तो फिर जाएंगे। पूरे भीग गए, स्वेटर पहन के आए। ये देखिए बारिश कम हो चुकी है, इसलिए अब हम लोग निकल चुके हैं। और ये स्मेल, मिट्टी की जो स्मेल है ना, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। किस किस को ये मिट्टी की स्मेल पसंद है आप कमेंट कर सकते हैं। हम आ चुके हैं मार्केट और आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं। और ये है हमारा फेवरेट मार्केट अल सफीर। ले ले,
ये क्या है? पोहा ले लो एक पैकेट। और एक ये भी ले लेते हैं, साबूदाना। हाँ इससे अच्छा है। हाँ ये छोटा वाला सही है। ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर जो सारे हैं ना, ये केक बनाने के आइटम्स हैं। सब लोगों को दिखाते हैं। जिलेटिन सब फ्लेवर एक एक ले लो। ठीक है, वही काफी है। एक मैदा ले लेती हूँ, वो भी खत्म हो चुका है। एक मैदा उठा लो। और ये देखो, वो जो हम लेते हैं ना अच्छा वाला, हाँ। वो तो मतलब अगली बार जब लेकर गए थे तब तो नहीं था, हाँ। तो ये देखिए ये आज का है, और इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये अच्छा है थोड़ा, इससे अच्छा है। और ये थोड़ा ना मतलब गीला टाइप का है, तो ये ले लेते। परफ्यूम ये वाला अच्छा है। कितना ऑफर है इसको? एक ग्राम से हेल्दी और टेस्टी है। तो चलो ये ले लेते।
अलमारी का ये जो ये फेटा चीज है ये देखो ऑफर में लगा हुआ है, ये वाला ना, ये वाला नहीं ऊपर वाला। हाँ, और इधर तो सारे चीज के ही आइटम्स है, ये पूरा सेक्शन जो है चीज का ही है, देख सकते हैं अपना। और यहाँ पर एक सारे ऑफर में भी है सारे। ये देखो ये वाला है नॉन स्टिक का, अच्छा ही है, मतलब पूरा पैकिंग है देखो 20 ग्राम। मटेरियल अच्छा ही है ना। वैसे भी यहाँ पर ऑलरेडी उस दिन जब हम आए थे ना बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर, मतलब ऑफर में सब ले चुके हैं, है ना। यहाँ पर पैनकेक बनाने के लिए फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएगी जो बेकरी आइटम्स तैयार करने के लिए होता है ना। ये छोटा सा फ्रिज भी ऑफर में है, तो जी हमारी मार्केटिंग बिल्कुल कंप्लीट है और अभी और भी थोड़े बहुत बाकी हैं तो वो किसी और मार्केट में हम देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट कोई ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।